आप में से लाखों लोगों ने ढकनेसर की रेसिपी को पसंद की है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। बस इसी तरह से एक और रेसिपी आपके लिए लाई हूँ। ये भी बिहार का बहुत ही पुरानी सी रेसिपी है, दूध पिट्ठी, जिसको गेहूं के आटे के साथ बनाया जाता है, जो बहुत ही सिंपल है बनाने में और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। मैं हूँ प्रिया। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद, आपने ढकनेसर की रेसिपी को बहुत पसंद की है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। ऐसी ही एक और रेसिपी आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बिहार का बहुत ही फेमस डिश है, बहुत पुराने समय से ये बनते आ रहा है, दूध पिट्ठी, जो अब लोग भूल गए हैं। पहले के समय में ना यही सब ज़्यादातर बनता था, घर में ही हम सेवई वगैरह भी घर में ही बनाते थे, और उसी तरह से ये बनता है दूध पिट्ठी। बहुत से लोग इसको चावल के आटे से भी बनाते हैं, लेकिन हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एकदम सिंपल है, फटाफट से बन जाता है। तो चलिए फटाफट से ही बनाते हैं ये दूध पिट्ठी, और ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर फटाफट बना लेते हैं ये दूध पिट्ठी। इसको बनाने के लिए यहाँ हमने 1.25 लीटर दूध गर्म होने के लिए रखा है, और ये है सिंपल सा गेहूं का आटा, जो हम रोटी का मतलब आटा लगाते हैं ना, बस वही आटा है। बस आधा कप हमने यहाँ पे आटा लिया है, और थोड़ा सा है उसको टाइट गूंदेंगे, इतना भी पूरा नहीं बन पाएगा। मैं यहाँ दो लोगों के लिए बना रही हूँ, तो बस इसमें से थोड़ा सा आटा को इस तरह से तोड़ लीजिए। ये काम ना जब हम लोग मतलब मेरी दादी मम्मी लोग बनाती थी, तो ये काम हम सभी बच्चों को मिल जाता था और फटाफट से ये बन जाता था। तो बस इस तरह से आटे का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और हाथों पे रब करना है इस तरह से। फिर से दिखा रही हूँ, ये देखिए, बस इस तरह से रगड़ना है, कुछ आपको करना नहीं है, बस छोटा छोटा इस तरह से रब करेंगे ना तो ये शेप आते जाता है, मतलब मोटी सी सेवई जैसा शेप आ जाता है, और जितना छोटा बनाएंगे उतना अच्छा लगेगा। वैसे अपनी अपनी चॉइस है, कुछ लोग बड़ा भी बनाते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो और भी बना लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर बस इतना ही बनाया है, जो दो लोगों के लिए काफ़ी है। तो इसमें पहले तो आप जब बना रहे हैं तो आटा लगा कर रखिए, नहीं तो ये आपस में चिपक जाता है, और बनाते समय आप मतलब सारा बन जाए ना, तो उसके बाद आप छलनी से एक्स्ट्रा आटा जो है उसको हटा दीजिए, नहीं तो जब आप दूध में डालेंगे ना तो ये बिल्कुल मतलब एकदम सन सा जाएगा। तो इस तरह से झाड़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम इधर लेंगे एक छोटी कढ़ाई, और इसमें 1-2 चम्मच घी, इसको ना फ्राई करके बनाते हैं, जो बहुत ही अच्छा सा सोंधा सा टेस्ट इसमें आ जाता है। जैसे आप सेवई भूनते हैं ना, बस उसी तरह से इसको भी भूनना है। और आप घी अवॉइड करना चाहें तो कम से कम घी में भी डाल सकते हैं, या फिर बिना घी के भी अगर नॉनस्टिक वगैरह में भून रहे हैं तो उस तरह से भी भून सकते हैं। इस तरह से भून लेने से ना एक तो कलर बहुत अच्छा आ जाता है, इसमें स्वाद बढ़ जाता है, और ये आपस में चिपकता भी नहीं है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा कलर आ गया है इसमें, देख सकते हैं थोड़ा सा लाल लाल सा स्पॉट्स दिख रहा होगा आपको, ये देखिए बस ये बिल्कुल रेडी है। तो दूध हमने जो उबाल कर रखा है वो अच्छा रहेगा कि आप गर्म करके पहले से रख लें, तो फटाफट से इसमें डाल दीजिए, बहुत जल्दी बन जाता है इसको। बस जो पिट्ठी को मतलब शेप देना है, बस उसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो आप बच्चों से या फिर घर में और भी कोई लोग हैं तो उन लोगों से करवा सकते हैं। बस इसको डालिए और इसमें पकाना है। तो एक बार इसमें बॉयल आ जाए ना, तो उसके बाद इसको थोड़ा सा स्लो गैस पे ही पकाएंगे, और साइड में जो इस तरह से दूध लग जा रहा है मलाई जैसा, उसको आप निकालते जाएं, उसी में डालते जाएं, जिससे ये दूध गाढ़ा भी हो जाएगा। और ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको गाढ़ा बनाना हो या फिर थोड़ा पतला ही रखना है। मेरे यहाँ तो सबको बहुत मतलब एकदम मलाईदार चाहिए होता है, तो बस इसी तरह से बनाएंगे। और यहाँ हमने इलायची पाउडर डाल दिया है, जब आपका लगे ना कि ये पक गया है तो लास्ट में इलायची पाउडर डाल दीजिए, और मिठास के लिए चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं तो बस 2 कटोरी बना रही हूँ, इसलिए अपने हिसाब से हमने यहाँ पे 2 चम्मच ही चीनी डाला है। ये देखिए मलाई पूरा आप इस तरह से निकालते जाएं,
और ये अब अच्छी तरह से पक गए हैं। जैसा कि मैंने कहा ना कि धीमी आंच पर इसको पकाइए, पकाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत छोटा छोटा है ना। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। बस आप इसको चाहें तो गर्मा गर्म खाएं या फिर ठंडा करके खाएं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आप इसको बना कर देखिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। बस ये रेडी है, तो हम गैस को ऑफ कर देंगे, कटोरी में निकाल लेते हैं। ये देखिए क्या मस्त दिख रहा है ना, एकदम रबड़ीदार हो गया है, एकदम मलाईदार। तो आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और देखते रहिए देसी मिजाज। देखिए क्या मस्त दिख रहा है ना, एकदम मलाईदार, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और अगर आप बनाएंगे ना, आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो वो तो एकदम खुश हो जाएंगे ये रेसिपी देखकर।